जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। मैं श्री राजस्थान से हूँ। तो मैं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की पैदल यात्रा कर रहा हूँ। तो आज उसका 83 डे हो गया है, 83 दिन मुझे हो गए हैं। तो कल नहीं परसों में आया था सेंधवा में, तो कल मैं पूरे दिन यहाँ रुका था। आपने देखा होगा वीडियो, भव्य रैली हुई थी, तो शिवाजी जयंती थी। तो आज मैं यहाँ से निकला हूँ। अभी मैं कार्यालय में हूँ, तो ये कोई कार्यालय ऐसा, तो अभी कुछ खाना नाश्ता बन रहा है, तो फिर वो खा के फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से आगे। आज महाराष्ट्र बॉर्डर पर एक मंदिर है, बीजासन मंदिर, तो वहाँ पर आज जाएंगे। बाकी जो डिटेल की बातें मैं आपको रास्ते में बताता हूँ, क्योंकि वहाँ बताने के लिए फिर कुछ नहीं बचता ना, इसलिए मैं वहाँ पर बताऊँगा आपको पूरा। ताकि यहाँ से नाश्ता करके निकलते हैं, तो आपको दिखाता हूँ कैसा है थोड़ा सा अंदर का। कुछ ऐसा है, ये मेरा बैग पड़ा है, तो एक भाई नाश्ता बना रहा है। एक भाई ये रहा, भाई आपके नाम बता दो, यूट्यूब पे वीडियो आएगा। सुनील भाई, आप 12वीं की पढ़ाई करते हैं ना? 12th प्रॉपर कहाँ से? चापड़ी पार्टनर है। तो भाई नाश्ता बना रहा है और चाय भी बना रहा है। चाय बना रहे क्या? जी भाई सर। तो ठीक है, अभी ये खा के फिर निकलते हैं यहाँ से। तो मैं सेंधवा मार्केट से पूरा बाहर निकल चुका हूँ, अभी मेन हाईवे कुछ आगे मिलने वाला है, तो कुछ भाई लोग मिलने के लिए आए मुझे। तो एक अपना नाम बता दो। मेरा नाम फरहान है और मैं सेंधवा से हूँ। भाई मेरा नाम समीर है। आपका नाम? मेरा नाम जिशान है। हाँ, तो भाई कुछ बोलना चाहते हैं? भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 4000 किलोमीटर चलना बहुत बड़ी बात होती है, हम जैसा इंसान तो 10 किलोमीटर में थक जाता है, और बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, चलो भाई, थैंक यू सो मच, आप मिलने के लिए आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मिलते कभी। ठीक है भाई। तो आगे बोर्ड आया नगर पालिका सेंधवा, आपकी यात्रा मंगल में हो। तो सीढ़ी है 270 किलोमीटर और दूलिया है 105 किलोमीटर। तो चलते हैं अपन, जाएंगे पहले दूलिया फिर सीढ़ी की तरफ जाएंगे। तो ये बाहर हो गए अपन अभी सेंधवा से। ठीक है, तो चलते हैं। मेन हाईवे पर थोड़ा थोड़ा और रहा है बस। अभी आ चुका मेन हाईवे, तो सेंधवा से मेन हाईवे तक 3 किलोमीटर पार कर दिया मैंने। तो यहाँ से कुछ 12 किलोमीटर है। तो आज मैंने कम ही रन किया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मंदिर है बीजासन, ये महाराष्ट्र और MP के बॉर्डर पर है। तो वहाँ रुकूँगा आज, कल महाराष्ट्र में एंटर हो जाऊँगा। मतलब वो बॉर्डर पे मंदिर है, तो महाराष्ट्र की तरफ फिर मैं बढ़ूँगा दुनिया की तरफ। तो ठीक है, ये है मेन हाईवे। तो आज ये वीडियो छोटा होगा शायद, मेरे हिसाब से बहुत छोटा होने वाला तो नहीं है, बनाने की कोशिश करूँगा। पर रोड पे पर क्या दिखाऊँ आपको, बस यही इतना किलोमीटर कवर हो गया, इतने बज रहे अभी चल रहा है बस। अच्छा है, पहाड़ वगैरह आया थोड़ा बहुत, बाकी तो यही आता दिखने के लिए। बाकी महाराष्ट्र MP में बस आज का दिन लास्ट है, फिर कल अमन महाराष्ट्र में होंगे। एक दो यहाँ पर पानी भरते, पानी ख़त्म हो चुका पूरा, और थोड़ा बहुत बचा है, मतलब थोड़ा रेस्ट कर लेंगे और पानी पी लेंगे, चलेंगे आगे। तो यहाँ पर जितने भी पहाड़ है सब मिट्टी के पहाड़ है, पूरे मिट्टी के इधर उधर। मैं यहाँ पर पीछे पेट्रोल पंप पर बैठा था, तो उन्होंने बताया था कि पहाड़ आएंगे आगे मिट्टी के। हाँ, पूरे मिट्टी के पहाड़ है, देखो पूरी मिट्टी है, पूरी मिट्टी के पहाड़ है, तो यहाँ मिट्टी की कमी नहीं है। ठीक है, अभी कोई 7-8 किलोमीटर आए, करते हैं कवर, 2:30 बज रहे हैं। ठीक है, नहीं नहीं कहीं पर तो पहाड़ तो है, ये कहीं कहीं पत्थर है, मतलब रेतीले पर्वत है, पहाड़ है, मतलब पत्थर भी है और मिट्टी भी है। ऊपर मिट्टी होती है, नीचे पहाड़, देखो ये पत्थर भी है। देखो जो दिखता है वो मैं बताता हूँ आपको, अभी उन्होंने हाँ बोला था मैं बता दिया, बाकी पत्थर भी है इसके अंदर। ठीक है, जानकारी सही शेयर करनी चाहिए, गलत बताओगे तो फिर आदत पड़ जाएगी गलत बताने की। बाकी वहाँ सब मिट्टी के पहाड़ है, वो देख लो वो मिट्टी के, ये पत्थर है, हाँ थोड़ा बहुत मिक्स है सब, चलता है। आया है मस्त हरा भरा, इधर थोड़ा बहुत गेहूँ लगे हुए, बाकी पहाड़ दिख रहे लाइन सरी, मस्त लग रहा है। बाकी अभी कुछ 5 किलोमीटर आए, तो रास्ता एकदम मस्त चलने लायक है, ट्रैफिक भी कम है, ट्रैफिक यातायात का आगमन बहुत कम है, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलते हैं। तो पहुंच जाएंगे कुछ 1-1.5 घंटे में। तो अभी यहाँ से कोई 1 किलोमीटर आए मंदिर, वो पहाड़ है, उस पहाड़ के यही हैं,
और वो मंदिर ही महाराष्ट्र और एमपी की बॉर्डर है। चलते हैं यहाँ से 1 किलोमीटर और फिर मंदिर में आज स्टे करेंगे। जल्दी पहुँच गए, कोई 3:30-4 बजने का है लगभग, तो देखते हैं कैसा क्या होता है मंदिर में। बाकी यहाँ घाटा ही घाटा है पूरा, इतने बड़े पहाड़ को काटा गया, इधर देख लो कितना काट के फिर यहाँ ठेठ नीचे। इधर तो छोटा ही है, इधर बहुत बड़ा है। ये वही पहाड़ है, मिट्टी और पहाड़ मिक्स वाला। बाकी अभी आगे ही मंदिर आने वाला है, फिर 500 मीटर आए, 500 मीटर चलते हैं फिर संभल के एकदम। ये बाहरी घाटा है, दुर्घटना ज़्यादा होती है इधर। तो कुछ वो है मंदिर, ये चौकी है बस, ये बॉर्डर लाइन है बस, वो रहा मंदिर। तो चलते हैं वहाँ पर, देखते कैसा क्या होता है आज। तो अभी मैं मंदिर में आ चुका हूँ, तो अभी मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ नहाने का वहाँ पर है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा हॉल में सोने का मिल जाएगा। बाकी ठीक है, कल अपन निकलेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर नेटवर्क है ही नहीं, फ़ोन का नेटवर्क चला गया है। अभी स्टोरी कैसे डालूँगा वो मैं सोच रहा हूँ। बाकी अब क्या करें जो होगा वो देखा जाएगा। बाकी बोले नहाता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ मंदिर है, मतलब चार मंदिर है ऐसे, माता जी का मंदिर, ऊपर भी मंदिर, शिव जी का मंदिर, तो सब मैं देखूंगा। उसके बाद फिर यहाँ से कल निकलेंगे, पहले मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद देखते क्या होता है।